इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, देख रहे हैं आप खास खबर, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात सिरसा के एलनाबाद की, जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर का लेबर रूम कातर बन चुका है। 3 महीने में 24 बच्चों की जान लेने वाले इस पीएचसी में जाने से अब गर्भवती महिलाएं घबराती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं इलाज के नाम पर उनके बच्चे की जान पर बात बनाई तो वो कहां जाएंगे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, लेकिन यहाँ हालात कुछ और हैं। यहाँ अंधेरे में विभाग और चौपट अस्पताल है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मासूमों का कातिल, नन्ही जान का दुश्मन, 24 बच्चों का गुनहगार, चौपटा का चौपट अस्पताल, ये हाल सिरसा के एलनाबाद का है। इलाज के लिए बेहाल एलनाबाद, इलाज के लिए मोहताज एलनाबाद। सिर्फ बेहाल और मोहताज ही नहीं, यहाँ तो मासूमों के कातिल अस्पताल भी है। सिरसा के नाथूसरी चौपटा गांव में वेंटिलेटर पर पड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिछले 3 महीने में 24 नवजात बच्चों को निगल चुका है। नाथूसरी चौपटा की पीएचसी में 3 महीने में 24 नवजात बच्चों की मौत हुई है, जिनमें 6 बच्चियां भी हैं। डिलीवरी के लिए आई महिलाओं को नहीं मिल पाता सही वक्त पर इलाज। 3 महीने में 126 डिलीवरी हुई, जिनमें 10 स्टिल बर्थ हुए। अप्रैल में 41 डिलीवरी, 3 बच्चों की मौत। मई में 46 डिलीवरी, 4 बच्चों की मौत। जबकि जून में 39 महिलाओं की डिलीवरी के दौरान कई बच्चों की मौत हो चुकी है। टोटल अप्रैल में हमारी हुई है डिलीवरी 41, जिसमें से 22 मेल हैं, 19 फीमेल हैं, और उनमें से स्टिल बर्थ है, 1 मेल है, 2 फीमेल है। और जो टोटल आंकड़ा हमारा 126 है, टोटल डिलीवरी हो चुकी है अप्रैल मई जून की, और जिसमें से 10 जो हमारी है ये स्टिल बर्थ, बीच में 2 IUD डिलीवरी। इसका हमारे को कोई फायदा नहीं है भाई साहब, यहाँ स्टाफ नहीं है, यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की ड्यूटी होती है 9 से 5, यहाँ कोई नहीं मिलता है, यहाँ डॉक्टर साहब कुछ बैठते ही नहीं है, यहाँ नर्सों की कमी है, 102 लगभग ब्रेकडाउन रहते हैं। पीएचसी इंचार्ज के मुताबिक अस्पताल में जरूरी स्टाफ नहीं है। लेबर रूम में महिला की डिलीवरी के लिए वक्त पर स्टाफ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्रसव के दौरान बच्चों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अस्पताल में 6 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, जबकि यहाँ सिर्फ 3 स्टाफ नर्स हैं, वो भी नियमित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्टिल बर्थ का आंकड़ा 0 होना चाहिए, जबकि तेजी से बच्चों की मौत के मामले गंभीर हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। ग्रामीणों के मुताबिक आपातकाल की स्थिति में कभी समय पर इलाज नहीं मिल पाता, नतीजा बच्चों की मौत के आंकड़े हैं। शिकायत सिर्फ इतनी नहीं है, जो स्टाफ यहाँ है भी वो भी कभी वक्त पर नहीं पहुँचता। अस्पताल में नर्स कभी ड्यूटी टाइम पर नहीं पहुंचती और ना ही डॉक्टर्स के दर्शन होते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस पीएचसी सेंटर पर एलनाबाद की बड़ी आबादी इलाज के लिए निर्भर है, वहां का ये हाल हैरान कर देने वाला है। स्वास्थ्य विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद पीएचसी की बदहाली पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इस बीमार अस्पताल पर विभाग की नजर नहीं है। सिरसा से अमित तिवाड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, यहाँ प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को कोई इलाज नहीं मिलता, लिहाजा महिलाएं अब यहाँ आने से डरती हैं, कतराती हैं कि कहीं उनके साथ, उनके नौनिहालों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। आखिर वजह क्या है, क्यों सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर बेहाल है, बदहाल है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं आता। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, गब्बर का रूप लिया जाता है, लेकिन हालातों में कोई बदलाव नहीं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर KL गर्ग। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्ट आपने देख लिया,
क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के मसले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक मैलाबाद के अगर अस्पताल की बात करें, 24 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी भी अगर हम देखें तो हालातों में कोई बदलाव नहीं। चलता है मलेरिया के मरीज बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। कभी हमें पता चलता है चिकुनिया के, डेंगू के मरीज हैं, अस्पताल में बेड खाली नहीं है, जगह नहीं है। अब ये जो आप घटना बता रहे हो ये तो अब नॉर्मल है। 24 बच्चों की डेथ हो जाना एक हॉस्पिटल में, तो कैसे मतलब जो दूसरी महिलाएं वो हिम्मत करेगी अपनी डिलीवरी के लिए आएंगी? इसका मतलब जो हमारा वहाँ पे सिस्टम है, जो डॉक्टर है, एक्चुअल में तो ये देखा गया है कि डिलीवरी डॉक्टर करवाते ही नहीं है। जो वहाँ पे जो सीनियर नर्स है या कई बार जो सफाई कर्मचारी हैं वो डिलीवरी करवा रहे होते हैं, ऐसा देखने में आया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस महिला के साथ क्या बीतेगा जिसको कोई चाहिए तो कुछ और प्रकार का ट्रीटमेंट, और एक सफाई कर्मचारी है उसको ऑर्डर दे दिया गया कि आप डिलीवरी कराएंगे, और इसी तरह या नर्स को ऑर्डर दे दिया गया कि आप डिलीवरी कराएंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ना एक्चुअल हरियाणा की, हम सोच रहे थे कि बीजेपी की सरकार आई है, अनिल विज जी बहुत सख्त हैं हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जब वो गरीब आदमियों की और छोटी जगह व्यवस्था देखी जाती है तो वहां पर बहुत ही कमजोर व्यवस्था है। बिल्कुल। आदमी उसमें घबरा जाता है कि मैं कल को अपनी डॉटर इन लॉ को वहां भेजूंगा, बहू को भेजूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, पैसे उसके पास है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जा नहीं सकता, तो बड़ी दयनीय व्यवस्था है। बिल्कुल। गर्ग साहब लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सिरसा से अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यकीनन लापरवाही की इंतहा है, ना तो यहाँ डॉक्टर्स हैं और ऊपर से लापरवाही का आलम यह है कि 24 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इसके लिए क्या कोई वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, उनकी तरफ से कोई कवायद की जा रही है या हाल अभी भी जस का तस बना हुआ है? जी रेणु, मैं आपको बता दूं कि लगातार यह मामला जो मीडिया की सुर्खियां बनता रहा है, ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के कानों तक भी एक खबर पहुंची है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जरूर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इन दावों से अलग दिखाई देती है। विशेष रूप से बात करें तो जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का इलाका है वहां स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। कोई भी चिकित्सक वहां जाने को तैयार नहीं है, रेगुलर स्टाफ की काफी कमी है, जो तदार पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो लोग लगे हुए हैं वे ट्रेंड नहीं है। इस अनट्रेंड स्टाफ के कारण ही दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए लेकिन उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाता और इस वजह से जो इस प्रकार के जो स्किल बर्थ के आंकड़े हैं वो बड़े हैं। जी रेणु, अमित फिलहाल ये मसला जो है वो संज्ञान में आया है, आप लोगों ने प्रमुखता से इस मसले को उठाया है, क्या किसी उच्चाधिकारी से इस बाबत आपकी बात हो पाई है? क्योंकि आंकड़े डरा रहे हैं, भयावह हैं और जो महिलाएं गर्भवती वो यहाँ आने से कतराती हैं, लिहाजा स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। क्या किसी स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, जो सिरसा के सिविल सर्जन हैं उनसे हमारी चर्चा इस बात पर हुई है। उनका यही कहना है कि यहाँ जो नियुक्ति की कोशिश की जा रही है, रेगुलर स्टाफ की नियुक्ति की जो पूरी दिक्कतें हैं वो पूरे राज्य के सामने हैं और भर्तियां जैसे भी होंगी तो उसी तरह से वहाँ भी जो नियुक्तियां दे दी जाएंगी। फिलहाल जो है अधिकारी तत्काल कोई जो उपाय वो मजबूत उपाय नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बने हुए वहाँ भी जाना पसंद नहीं और वे लोग एक तरह से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल जो चिकित्सालय काम कर रहे हैं वहां आते हैं मरीज, अगर गंभीर है तो उसे इलाज नहीं मिल पाता और रेफर कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में रास्ते में ही कई मरीज दम तोड़ देते हैं, ये सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, अब तक आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है आवाज। हाँ, आप विस्तार से बताइए सर कि क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है और ये समस्या कब से बनी हुई है? मैडम पहले यहाँ पीएचसी का जो है पीएचसी चल रही थी चौपटा में, लेकिन अब इसको लगभग 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ने सीएचसी का दर्जा दे दिया था। हाँ। यहाँ पर अब मिलने को सुविधा है पीएचसी की भी नहीं है जी, सिर्फ 5 या 6 की संख्या में स्टाफ है और पिछले 3 महीने के अंदर 24 से 25 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है जी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ कमी के कारण। और हमारे चौकटा में इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है जी, ये 52 गाँवों का सर्कल पड़ता है जी, पूरे 52 गाँवों का। जब सिरसा लेकर जाते हैं मरीज को तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी लगभग 1.5 घंटे में तय होती है जी। जब हमारे चौकटा क्षेत्र में सीएचसी है तो हमारे किस काम की, जिसमें स्टाफ ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 5 या 6 की संख्या में स्टाफ है। बिल्कुल।
तो हमने जी इसका मुद्दा उठाया, सीएम विंडो में शिकायत लगाई है और स्वास्थ्य मंत्री जी को फैक्स किया है, हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए क्योंकि हमारे बूढ़े माता पिता और बुजुर्गों को जो है बहुत ही भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जगदीश जी, क्या जो स्थानीय अधिकारी हैं उन लोगों से कभी आप लोगों ने कोई शिकायत की या उन्होंने कभी मौके का मुआयना किया, कभी इस अस्पताल में आए देखने के लिए कि वाकई क्या समस्याएं हैं, कभी कुछ इस तरह का दौरा किया गया यहाँ पर? मैडम शिकायत तो नहीं दी लेकिन उन तक मामला पहुंचा है, 5 या 6 बार अखबारों में मुद्दा उठाया है, जैसे भी 5 या 10 ग्रामीण जाते हैं वहाँ पे तो उन्होंने मुद्दा उठाया, अखबारों में न्यूज़ें लगी है बहुत बार, प्रशासन ने इससे पूरी तरह अवगत है लेकिन प्रशासन के भी हाथ खड़े हैं, वो भी एक ही जवाब देते हैं, भी सरकार का मामला है, सरकार देखेगी। अब हमने मामला जो है सरकार के पास भी भिजवा दिया है सीएम विंडो के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम चौथा विकास मंच और युवा क्लब एसोसिएशन के बैनर के नीचे हम धरना प्रदर्शन करेंगे मैडम। चलिए जगदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस बातचीत को साझा करने के लिए। शिकायतकर्ता जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि अगर अब समस्या का समाधान नहीं होता है तो अब धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जाएगा। केएल गर्ग साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, गर्ग साहब क्या कहेंगे, धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जा रहा है और जिस तरीके से शिकायतकर्ता बता रहे हैं कि एक लंबे अरसे से कई बार अखबारों तक में इसका मसला उछला लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान देने की कवायद नहीं की, क्या आपको लगता है इच्छा शक्ति की कमी है या प्रशासन स्वास्थ्य महकमा करना ही नहीं चाहता? एक तो हरियाणा के अंदर जो डॉक्टर है उनकी बहुत कमी है, अब जो कमी है रूरल में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता, सभी शहरों में रहना चाहते हैं, तो रूरल के अंदर और ज्यादा कमी है, जब वहां पे डॉक्टर होंगे ही नहीं तो व्यवस्था कैसे होगी? अब ये व्यवस्था कौन देखेगा, जब गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता, अभी उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का अपग्रेड कर दिया गया लेकिन स्टाफ वही 4-5-6 हैं, अब उनमें से एक आधा छुट्टी पे भी चला जाता है, तो कोई व्यवस्था तो है नहीं ना। और 52 विलेजेस जो है चारों तरफ वो उसमें लगते हैं गाँव में, 1.5-1.5 घंटा पहुंचने में लग जाता है, कितना बुरा हाल है, एक गरीब महिला जो कहीं जा नहीं सकती वो हॉस्पिटल में आती है, वहां पे डॉक्टर नहीं है, जो नर्स है या जो सफाई कर्मचारी है उनको वो सारे काम करने पड़ते हैं, तो बच्चों की डेथ होती है, वो उतना समझ नहीं पाते कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। और हमारी जो हरियाणा सरकार है वो अब सारे ये देख रहे हैं, जब अखबार के अंदर आ रहा है चीफ मिनिस्टर साहब की विंडो पे कंप्लेंट हो चुकी है, तो वहां की स्थानीय प्रशासन ने लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसका मतलब तो ये हुआ समाज के अंदर कोई भी जो समस्या है वो धरना प्रदर्शन जब तक नहीं होगा तब तक सरकार सुनाई नहीं करेगी। बिल्कुल गर्ग साहब, लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर हम रखेंगे चर्चा जारी, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। हेलो जी, हो जाए, थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नो मन्नो का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको, कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, कमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जचता है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी, बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। ICS कोचिंग सेंटर,
बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मौत के लेबर रूम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इलाहाबाद का ये पूरा मामला जहाँ के नाथूसरा चौपटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लेबर रूम में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर 6 परमानेंट स्टाफ नर्सों की जरूरत है जिनमें 3 यहाँ पर कार्यरत है और वो भी नियमित नहीं है। आपको बता दें यानी आप आसानी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से इलाज हो रहा है, किस तरह की सुविधाएं यहाँ चाहिए और वो लोगों को मिल नहीं पा रही। चर्चा करने के लिए खास मेहमान गर्ग साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। गर्ग साहब, लूप होल्स आप व्यवस्थाओं में क्या क्या देख पा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस प्रदेश में व्यवस्थाएं सुधर नहीं है? सरकार की तरफ से भी क्या आपको लगता है कि कोशिशें जो की गई हैं वो कोशिशें वाकई की गई हैं या वो नाकाफी हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है जो हमारी सरकार है, पहली बार जनता ने बीजेपी को एक मौका दिया था, वो जो कोशिश कर रही हैं वो कोशिश जो प्रैक्टिकल तौर पे जब देखा जाता है तो वो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो सरकार को कुछ इस प्रकार का काम करना पड़ेगा। अब उन्होंने उस प्राथमिक केंद्र की अपग्रेड तो कर दिया,
लेकिन उसको स्टाफ नहीं दे पाए ये लोग, तो ये कहीं ना कहीं इनको अपग्रेड करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर हम किसी का अपग्रेड कर रहे हैं तो हम कौन कौन सा स्टाफ वहां पे लगाएंगे। तो ये व्यवस्था देखे बिना हमने अपग्रेड कर दिया 50 जो 52 विलेजेस हैं उनके अंदर से सभी जो माताएं हैं बहने हैं जो भी हमारी बहुएं हैं उन सबको वहां ट्रीटमेंट कराना है। 24 बच्चे मर चुके हैं, एक आधा नहीं, एक आधा बच्चा तो हम कह देते हैं चलो कुछ भी कारण हो सकता है, एक ही हॉस्पिटल में 24 बच्चे मर जाएं और फिर भी सरकार इस प्रकार से सो रही हो तो उसके ऊपर थोड़ा मतलब बड़ा दुख होता है, व्यथित होता है। उसके ऊपर भी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि अपने आप को वाकई उनका जो जीवन है बड़ा ईमानदारी का और सब कुछ रहा है तो फिर ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास। हमारे साथ स्थानीय सीएमओ सूरजभान कंबोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएमओ साहब आवाज मिल रही है आपको? नाथूसरी चौपटा का पीएचसी है, यहाँ पर 3 महीने में 24 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है, स्टाफ है नहीं और जितने यहाँ पर स्टाफ या डॉक्टर्स की जरूरत है वो नहीं मिल पाती है। क्या इन वजहों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि एक बार आपको वहाँ पर जाने की जरूरत है कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि 24 नवजात बच्चों की मौत हो गई है और स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है वहाँ पर? स्टाफ की तो कुछ कमी है मैडम, पर बाकी हम खुद रेगुलर विजिट की है मैंने वहाँ पे। हाँ। और जो भी दवाइयाँ या जो भी वहाँ जरूरत है वो पूरी करवाई गई है, बाकी फिर भी अब देखते हैं कोई और कमी है तो उसको दूर करेंगे। कंबोज साहब लोगों का आक्रोश इस कदर है कि अब वो धरना और प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं और साफ तौर पर आपके घेराव की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है, तो यकीनन कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है। इसको बहुत हल्के तरीके से ना लेकर अगर इसको 24 बच्चों की मौत से जोड़कर देखा जाए तो मामला बेहद गंभीर है। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसी आया नहीं कि घेराव की ऐसी कोई बात है। जो है हम पूरी तरह से सतर्क है और जांच करवाएंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो उनकी दिक्कतें भी दूर करेंगे। सीएमओ साहब ये प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी? पहले भी मैंने एक बार टीम भेज के करवाया था और जो भी वहाँ दवाइयाँ या जो भी थी वो दूर की है, फिर भी कोई कमी है तो और दूर करेंगे। अच्छा एक जो परमानेंट समस्या है वो है स्टाफ की, सीएमओ साहब ये समस्या आखिर कब दूर होगी और क्यों नहीं दूर हो पा रही है? स्टाफ तो देखो जो गवर्नमेंट ने रिक्रूट करना है हमने गवर्नमेंट को भेजी हुई है डिमांड। सस्तुति आपने की हुई है यहाँ से कि आपको जरूरत है? हाँ जी हाँ जी। तो बदले में कोई जवाब मिला वहाँ से? हाँ सरकार भी लगी हुई है और जल्दी होगी। अच्छा सीएमओ साहब क्या जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आपकी तरफ से कदम उठाए जाएंगे, दौरा किया जाएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल मैडम किया जाएगा। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सीएमओ साहब, और अगर ऐसा नहीं होता हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। सीएमओ सिरसा हमारे साथ सूरजभान कंबोज जुड़े हुए थे। हालांकि कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से ये तमाम चीजें होनी है और वहां पर भी कमी है, लिहाजा ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि आखिर जो स्टाफ है उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। हालांकि बाकी की चीजों पर वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आश्वासन के जरिए लोगों का इलाज हो पाएगा? गर्ग साहब कितने आश्वस्त हैं आप इस आश्वासन से सीएमओ साहब के? आश्वासन तो आश्वासन ही रहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण है एक तरफ तो बेरोजगारी है, हमारा जो युवा है वो बेकार घूम रहा है, एक तरफ वैकेंसी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है हम उनको भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है, तो हमें इस प्रकार का सिस्टम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो डॉक्टरों की कमी तो पिछले कई सालों से देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो रूरल इलाका है उसमें तो लगातार कमी बनी हुई है, तो मैं तो यही कहूंगा जो हमारी जो गवर्नमेंट है जो हमारी सरकार है उनको कुछ इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो रूरल बेल्ट है वहां पे गरीब आदमी है वो प्राइवेट इलाज नहीं करा सकते, शहर में तो लोगों ने कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते हैं और शहर के हॉस्पिटलों में स्टाफ भी होता है, रूरल पोस्टिंग कोई लेने को तैयार नहीं है। तो मैं एक बार फिर अपनी हरियाणा गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, विज साहब से प्रार्थना करूंगा, 24 बच्चों की मौत हुई है, सीएमओ साहब उसको बहुत ही लाइट ले रहे हैं कि हम उसकी जांच करवा लेंगे, पहले भी जांच करवाई थी, जांचों से क्या होगा, 24 बच्चे मर गए हैं उन फैमिलीज का क्या होगा, उन माताओं की कमजोरी का क्या होगा। बहुत शुक्रिया अगर साहब इस खास चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि आखिर उन मौतों का हिसाब कौन देगा और आगे होने वाली जो मौतें हैं आखिर उनको रोका कैसे जाए कि आगे कोई अनहोनी ना हो, ये एक बड़ा सवाल है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।